पौराणिक काल में एक महानंदा नाम की एक परम सुंदरी वेश्या हुआ करती थी। उसके पास एक बंदर था और एक मुर्गा था। उन दोनों जानवरों को महानंदा रुद्राक्ष पहनाकर नचाती थी। वेश्या महानंदा को ऐसा करता देख लोग उस पर हंसते और कहते कि देखो, यह स्त्री पूरे दिन अपना शरीर बेचती है और भगवान शिव के भक्त होने का ढोंग करती है। लोगों की बातें सुनकर महानंदा को बड़ा कष्ट होता था, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। वह बस भगवान शिव की भक्ति में लगी रहती। पूजा करते समय भगवान शिव से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मैं एक वैभाचारिणी स्त्री हूँ और अपना शरीर बेचती हूँ, परंतु आपकी भक्ति पूरे मन से करती हूँ। अगर मेरी भक्ति सच्ची हो तो आप मुझे इस नरक रूपी जीवन से मुक्ति दिला सकते हैं। महानंदा की बातें सुनकर शिव जी ने सोचा, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। एक बार भगवान शिव उसकी परीक्षा लेने वैश्य रूप में आए। वैश्य रूपी भगवान शिव को देखकर वैश्य महानंदा ने उन्हें आदर पूर्वक बैठने को कहा। वैश्य की बातें सुनकर भगवान शिव एक आसन पर बैठ गए। तभी वैश्य महानंदा की नजर भगवान शिव के बाजू में एक कंगन पर पड़ी। वह उस कंगन को देखकर उस पर मोहित हो गई और बोली, हे वैश्य, आप मुझे ये कंगन दे दीजिए। तब वैश्य रूपी भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम मुझे इस कंगन के बदले क्या दोगी? तब महानंदा ने कहा, हे पुरुष, मैं एक वैभाचारिणी स्त्री हूँ और मैं आपके साथ इस कंगन के बदले 3 दिनों तक पत्नी के रूप में रह सकती हूँ। वैश्या की बातें सुनकर भगवान शिव रूपी वैश्य महानंदा के साथ 3 दिन रुकने के लिए तैयार हो गए और उसके बाद सूर्य चंद्र को साक्षी मानकर दोनों ने 3 दिनों तक पति पत्नी की तरह रहने का वचन लिया। उसके बाद भगवान शिव रूपी वैश्य ने कंगन देते हुए महानंदा से कहा, हे देवी, कंगन मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है, परंतु मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं, इसे संभाल कर रखना। वैश्य की बातें मानते हुए महानंदा ने कहा, हे दिव्य पुरुष, मैं इसे चाहने लगी हूं और मैं इसे प्राणों से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। उसके बाद वैश्य महानंदा ने उस कंगन को नाट्यशाला के मध्य में ले जाकर रख दिया। फिर जब रात हुई तो वैश्य महानंदा ने वैश्य रूपी भगवान शिव को भोजन कराया और उसके बाद स्वयं भोजन करने उनके साथ पलंग पर सोने चली गई। अभी पलंग पर गए हुए कुछ समय ही हुआ था कि वैश्य महानंदा के घर भीषण आग लग गई। घर को जलता हुआ देख महानंदा ने अपने बंदर और मुर्गे को खोल दिया, जिससे उसके प्राण बच गए। लेकिन जब तक वह कंगन को नाट्यशाला से लाती, तब तक नाट्यशाला में भीषण आग लग चुकी थी और उसी अग्नि में वह दिव्य कंगन जलकर राख हो गया। इसके बाद वह वैश्य एवं वैश्या दोनों बहुत दुखी हुए। फिर भगवान शिव ने महानंदा की परीक्षा लेने के उद्देश्य से उससे कहा, हे देवी, वह कंगन मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा था और वह अब नहीं रहा तो मैं भी जीवित नहीं रहना चाहता। कृपया मेरे लिए एक चिता की व्यवस्था करो और उसमें अग्नि प्रज्वलित करवाओ, ताकि मैं उसमें अपने प्राण त्याग सकूं। पहले तो महानंदा ने उस चिता में प्रवेश करने से कई बार भगवान शिव को रोका, लेकिन जब भगवान शिव नहीं माने तो महानंदा ने चिता तैयार करवाई। फिर जब चिता में अग्नि प्रज्वलित हुई तो भगवान शिव रूपी उसमें प्रवेश करने लगे तो महानंदा बहुत दुखी हुई और वह मन ही मन सोचने लगी, आज मेरे कारण इस वैश्य को अपने प्राण त्यागने पड़े हैं, मैं इसकी अपराधी हूँ, ऐसे में मैं भी जिंदा रहकर क्या करूँगी। उसके बाद वैश्या ने अपनी सारी धन संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी और फिर वह भी उसी चिता की अग्नि में प्रवेश कर गई। उधर महानंदा को अग्नि में जलता हुआ देख भगवान शिव से रहा नहीं गया और वह साक्षात शिव के रूप में प्रकट हो गए और महानंदा को जलने से बचा लिया। यह देख वैश्या महानंदा हैरान हो गई और शिव जी को प्रणाम करते हुए बोली, हे प्रभु, ये कैसी लीला है आपकी, जो आप पहले जलने को विवश करते हैं और फिर बचाते भी हैं। तब भगवान शिव बोले, हे देवी, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने वैश्य रूप में आया था। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ, तुम वरदान में जो चाहो मांग सकती हो। तब महानंदा ने प्रभु से कहा, मुझे आपके चरणों में जगह चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब भगवान शिव उसे वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद महानंदा ने वैश्यावृत्ति को त्याग दिया और दिन रात भगवान शिव की सेवा में लगी रहती और गरीब तथा असहाय लोगों की मदद करती।
फिर जब वह काफी बूढ़ी हो गई तो एक दिन उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब भगवान शिव के दूत उसे विमान में बैठाकर शिवलोक ले गए और वहां भी वह भगवान शिव की सेवा करने लगी। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको वैश्या और भगवान शिव की ये कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसी पौराणिक कथा के लिए हमारे चैनल प्रभु भक्ति को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।